आज बहुत धूप है बाबू बाहर। पानी उठा के रखना पड़ेगा, नहीं तो पानी गर्म हो जाएगा। बहुत धूप है आज। तो ये खाएंगे, बन खाएंगे। ये फर्स्ट टाइम मैं खाऊंगी, पता नहीं ये कैसा टेस्ट है। सुबह का टाइम है, नीचे वाले रूम में काम चल रहा है, इसीलिए ब्लॉगिंग वगैरह शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। निम्की खा बनी है शो? नहीं शो जा। लेके आ गई हूँ पाट शाक, इसको अभी छाटूंगी गाइस। इसका आज भाजी बनाऊंगी, सुमित को पाट शाक भाजी बहुत पसंद है। सो चलिए मैं इसको छाट लेती हूँ। अभी सुबह का बज रहे हैं 10, सुबह का टाइम है। सो अभी किचन में जाने से पहले सब कुछ सामग्री इकट्ठा कर लेती हूँ ना, जो बनाने वाली हूँ, तो आसान हो जाता है खाना बनाने के टाइम। और मेरे किचन बहुत छोटा है ना, तो इसीलिए इसी जगह पे आके, किचन छोटा है ना इसीलिए मुझे इस जगह पे बैठ के करना होता है, और ऊपर फैन भी चलता है, अच्छा लगता है। चलिए मिलती हूँ इसको काट के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाट साग की रेसिपी। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने सब कुछ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिया है। ये रहा पाट साग, ये रहा प्याज, हरी मिर्च, इधर मैंने लहसुन को कूट लिया है। पाट साग के साथ साथ मैं आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ अंडा करी। तो अंडा करी बनाने के लिए भी मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। 4 अंडे को छील लिया है, आलू बॉईल करके भी छील लिया है। इसके साथ अंडा करी बनाने के लिए मैंने मसाला भी पीस के रेडी कर लिया है। मसाला में मैंने ऐड किया है टमाटर, अदरक, लहसुन, बस यही मैंने पेस्ट किया है। और ये अखा टमाटर मैंने रख दिया है ऐसे प्याज के साथ भूनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। कढ़ाई मेरा गरम हो चुका है आप लोगों से बात करते करते। अभी इसमें दे दूंगी मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले पाट साग बनाऊंगी। मैं फोटो मेंशन कर दूंगी पाट साग हम लोग किसे बोलते हैं, आप लोग इस सब्जी को मतलब ये साग को किस नाम से जानते हो प्लीज मुझे भी कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चल जाए। सो आज मैं पाट साग का भाजी बनाऊंगी। मैं किस तरह से पाट साग का भाजी बनाती हूँ आज आपके साथ शेयर करूंगी, आई होप आपको अच्छा लगेगा। दे दूंगी हरी मिर्च, बाद दे दूंगी प्याज। प्याज और हरी मिर्च को थोड़ी देर तक चला लूंगी। हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें दे दूंगी लहसुन को, जो कूट के रख दिया मैंने, इसको ऐड कर दूंगी। लहसुन पहले नहीं देती हूँ क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी भून जाते हैं, इसीलिए। तो प्याज को भी भून रही हूँ। अनियन मेरा भून चुका है, अनियन और मिर्ची। अभी मैं दे दूंगी लहसुन को। मेरा लहसुन, प्याज, हरी मिर्च सब भून चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाट साग। इसमें दे देंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसको ढक्कन लगा दूंगी, क्योंकि नमक हल्दी देने के बाद ना, नमक देने के बाद थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसलिए ढक्कन लगा के रख दूंगी। अब इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए पानी छोड़ा है इसने। गाइस देखिए मेरा पाट साग भाजी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। आप में से कितना सारे फ्रेंड ये पाट साग भाजी इस तरह से खाते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। हाँ देखिए मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। सो गाइस देखिए मेरा पाट साग की भाजी तैयार है। किसे किसे खाना है आ जाइए।
कढ़ाई गरम हो चुका है, दे दूंगी कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद इसमें दे दूंगी नमक हल्दी। अगर मेरा पुराना व्यूअर है तो आपको पता ही है, मैं हमेशा अंडा आलू को फ्राई करती हूँ नमक हल्दी के साथ ही ऑयल में डाल के। सो चलिए सबको फ्राई कर लूंगी गोल्डन कलर करके। अभी ऑयल में दे दूंगी सूखी लाल मिर्च, ये तीखा वाला नहीं है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इसमें दे दूंगी तेजपत्ता। इसके बाद दे दूंगी दालचीनी, दो लौंग और एक इलायची, इलायची को तोड़ लिया है। इसके बाद दे दूंगी ऑनियन। इसके बाद दे दूंगी ग्रीन चिली। अभी हम इसमें दे देंगे पेस्ट को मसाला। नमक दे दूंगी, मसाला छिड़क रहा है हर तरह लिखिए। अभी हम दे देंगे हल्दी पाउडर, कलर वाला रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर। इसमें पानी थोड़ा सा डाल लिया है, इसी को धोकर इसी में दे दूंगी। अभी हम इसमें दे देंगे कटा हुआ टमाटर। अभी मसाला को बहुत देर तक भूनूंगी जब तक इससे ऑयल ना स्प्रेड हो जाए, मतलब अलग अलग ना हो जाए। जितना देर तक मसाला को भूनेंगे ना गाइस, उतना ही इसमें फ्लेवर उभर के आते हैं। और ये जो जेट्स प्लेन है ना, फाइटर प्लेन, इसके वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रही हूँ गाइस। वॉइस ओवर नहीं मतलब वीडियो में नहीं बोल पा रही हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आती हूँ। ये फाइटर प्लेन चला जाता है, उसके बाद मैं आती हूँ, बात करती हूँ। हाँ, अभी बहुत दूर तक चला गया अभी। सो गाइस देखिए, इसमें से ऑयल अलग होने लग गया है, आपको नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला से ऑयल अलग होने लगा है। अभी इसी टाइम पे इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना गाइस। उसके बाद जाकर मैं जो फ्राई करके अंडा आलू को रखी हूँ ना, इसमें ऐड कर दूंगी। बस देखिए मेरा सब्जी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अभी ये जो है इसको ऐड कर दूंगी। अभी फिर इसको ढक्कन लगा दूंगी। इसके ऊपर अगर धनिया पत्ता आप दे देंगे अच्छा रहेगा। सो मैं अभी क्या करूंगी, सब्जी मैंने आलू उठा लिया है सब्जी से, और ये तीन चार आलू को ना इस तरह से मैश कर दूंगी और करी में डाल दूंगी। तो करी ना थोड़ा सा घना होता है और बहुत स्वाद आते हैं खाने में। सो ये देखिए इसमें डाल दूंगी और चला दूंगी। कभी इस तरह से भी अंडा करी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। एक्चुअली सुमित ना धनिया पत्ता खरीदना पसंद नहीं करते क्योंकि सूख जाते हैं ना, इसीलिए तो इसलिए धनिया पत्ता यूज नहीं कर पाती हूँ। अगर आपके घर में है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। आप जितना ग्रेवी खाना चाहते हैं उस हिसाब से, अभी ग्रेवी का क्वांटिटी आप हिसाब से अपने बना लीजिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि मैं रात के लिए भी बना रही हूँ, दो टाइम के लिए, इसीलिए दाल भी नहीं बनाया ना इसलिए। और इस तरफ तो मेरा साग का भाजी भी हो गया, इस तरफ राइस भी बन चुका है।
और इस तरफ अंडा करी भी बन गया मेरा। और हाँ गाइस, मैं मेन इंग्रेडिएंट्स तो देना भूल ही गई, ये फिनिशिंग टच है आप बोल सकते हो इसे। सो अब इसमें ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। तो इसमें फिनिशिंग टच में मैं दे दूंगी हल्का सा गरम मसाला, शाही गरम मसाला, ये बहुत अच्छा होता है। बाहर तो मिलता नहीं है, दुकान में मुझे दिखा तो ले लिया था। सो इससे ना बहुत अच्छे से एरोमा आता है। अभी मेरा फाइनल रेडी अंडा करी। नहा के आ चुकी हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं आज लंच में बनाया अंडा करी, पाठ शाक भाजा, और पाठ शाक भाजा का रेसिपी मैंने शेयर किया। आई होप अच्छा लगा आपको। घर में बनाइए, खाइए। और मैं अभी आई हूँ लंच का थाली निकालने के लिए। आज सुमित को आने में बहुत लेट होंगे क्योंकि वो कोर्ट जाने वाले हैं। FIR करना होगा हमारे फेसबुक पेज को वापसी पाने के लिए। खुद का ही पेज है, फिर भी कोर्ट पे जाकर उसको बहुत कुछ करना है। मतलब मैं तो ब्लॉग में उतना शेयर नहीं किया है, बहुत भाग दौड़ किया है गाइस, नहीं मिल रहा है हमारे फेसबुक पेज को। अगर आप चाहोगे तो आप बोलोगे आप नया क्रिएट कर लो, मुझे पता है नया क्रिएट करने से भी मेरा उतना ही व्यूज आएगा जितना उसमें आते हैं। लेकिन क्या है ना, उस पेज के साथ मेरा एक लगाव है और एक अटैचमेंट है, क्योंकि उसमें ना प्रीति का मेकअप वीडियो शूट किया था। एक सेकेंड, प्रीति का मेकअप वीडियो शूट किया था उसमें है, तो मेरा बहुत सारे मेमोरी है जो इसमें है। सो इसके लिए मुझे वो पेज चाहिए, कैसे भी हो जाए मेरा वो पेज चाहिए, मैंने सुमित को बोला है। तो सुमित ने बोला ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है। और आप मेरा बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, ये जो चादर है ना कर्टन्स में लगाया है, क्योंकि इतना धूप आता है ना मस्त वाला, आप पूरा झुलस जाओगे इतना धूप आता है। सो अभी मैं सलाद काट रही हूँ, सलाद में कुछ नहीं, कुछ खीरा काट रही हूँ और लेमन, और मैं कच्चा प्याज खाना बहुत पसंद करती हूँ। सो इसीलिए ये जो छोट प्याज होता है ना, छोट प्याज, इतना बेबी प्याज, सो ये खाना मुझे बहुत पसंद है। सुमित तो डांटते हैं लेकिन मुझे खाना है, भले ही मैं खाना खा के फिर दांत ब्रश कर लूं, लेकिन मुझे ये खाना बहुत पसंद है। ये अगर नहीं खाती हूँ ना राइस के साथ या किसी भी चीज के साथ, तो मुझे वो टेस्ट नहीं मिलता है। आप में से कितना सारे फ्रेंड हो जो कच्चा अनियन खाते हो, मुझे कच्चा अनियन खाना बहुत पसंद है। मैं मुरमुरा के साथ खा लेती हूँ, चाट में खा लेती हूँ, मतलब हर चीज में अनियन चलता ही है, मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत। लंच का थाली निकाल लिया गाइस, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने फोटो शूट के लिए अंडा निकाला था। दो अंडा तो मैं खा नहीं पाऊंगी, सो एक अंडा उठा के रख देती हूँ। जस्ट फोटो शूट के लिए मैंने दो अंडा सर्व किया था थाली में। चलो, दो आलू, ग्रेवी और एक अंडा। सो ये है मेरा लंच का थाली। मैंने लंच का थाली निकल लिया गाइस, और मैं अभी लंच करने जा रही हूँ, और आप लोग भी लंच कर लीजिए। और मेरा ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा, और मेरा ब्लॉग आज का आप सबको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलूंगी इसी तरह से नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय बाय। मैं लंच कर लेती हूँ, आप लोग भी कर लीजिए।